अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि मतलब किस किस्म के स्टूडेंट जो हैं कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में और वो मतलब आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वेलकम करता हूँ आपको एसके ट्यूटर्स पी के चैनल पे। तो देखें, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जॉब भी किया है इस तरह से तकरीबन 6 ईयर से, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी आज 2020 तक। तो अब अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक मतलब लाजमी बात है कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता रहेगा। तो मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ में देखा है, स्टूडेंट्स वो कामयाब होते हैं जो कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, और इसके अलावा ये कि उनकी लालच ये नहीं होती कि हम ज़्यादा मार्क्स GPA लेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी। जो ऐसे बंदे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा GPA अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स होंगे, हमें अच्छी जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि वो सिर्फ अगर लेट सपोज़ मिल भी जाती है जॉब तो वो लिमिटेड ही होती है, मतलब इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। इसके अगर आप अपोजिट आप मतलब देख लें तो वो क्या होता है कि जो बंदा एवरेज होता है तो उसके लिए लाइफ बहुत आसान होती है, जो बंदा टॉपर होता है उसके लिए बहुत सारे मसले होते हैं। ज़्यादा मसले यही होते हैं कि वो हर एक चीज़ को चाहता है कि इसमें मैं जीतना चाहता हूँ, मतलब हार वो नहीं मान सकता कभी भी, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी होते हैं। ज़्यादातर लोग मेहनत भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, मतलब अलग अलग किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ में। आपको हर एक फील्ड के लिए, हर एक चीज़ के लिए टाइम देना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये आपको मैंने एक प्रैक्टिकल बात बताई। इस तरह से मैं आपको ये भी कहूँगा, ऐसे टीचरों से आप लोग बचें जो आपको कहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लें, आप जो है इस तरह करें, मतलब आपको शॉर्टकट्स के चक्कर में लगाते हैं कि आप ये गाइड फॉलो करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको करें, तो ये सब कुछ बकवास है। मैं इसके साथ एग्री नहीं करता और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में आपको इससे बहुत नुकसान होगा। उस टाइम हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स ले लें या मतलब ट्रॉफी वगैरह, लेकिन एंड में आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों को आप अपने जहन में रख के पढ़िए और इस तरह से अपनी मेहनत जारी रखें, और अपने पेरेंट्स की भी दुआ लें, उनके साथ जो है मतलब आप कुछ टाइम जो आपको मिलता है फ्री उनके साथ गुजारें, और इस तरह से अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या वॉक या कोई भी मतलब ऐसे एक एक्टिविटी आप रख लें जिससे आप मतलब आपकी बॉडी भी इस तरह फिट रहे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ें हैं। इस तरह से मैं इंशाल्लाह अदर वीडियोस भी बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को गाइड करता रहूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।